ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का हमने डेफिनेशन तो देख ली, मतलब फुल फॉर्म देख ली थी, मीनिंग भी देखा था कि क्यों आया है हमारे इंडिया में. सो जीएसटी की फुल फॉर्म हमने क्या देखी थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देखो जितना भी हम पढ़ते रहेंगे ना उसमें, वैसे मैं आपको नोटिंग का टाइम दूंगा, बट इन बिटवीन आप अगर कहीं ऐसा होता है कि वीडियो आगे हो जाती है तो आपके लिए बेनिफिट है, वहां पे पॉज करें और वीडियो ये जितना भी है ये नोट कर लीजिए. मैं ये आपको पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं दूंगा. यस, नहीं दूंगा. पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी बट उसका प्रिंट नहीं ले पाओगे. रीजन बीइंग, आई वॉन्ट कि आप इन सबको अपने हाथ से बाय हैंड अपनी नोटबुक में लिखो. जब तक ये एज अ प्रिंट, एज इट इज इसको आप प्रिंट ले लेंगे ना, तो वो आपके पास एक ऐसे ही रह जाएगा, वो किसी बेनिफिट का नहीं होगा. मैं आपको एक पूरी बुक दूंगा जो मतलब ICAI की तरफ से है, वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जितना मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसमें प्रॉपर इसको नोट करते रहें, ठीक है. मैं आपको सफिशियंट टाइम दूंगा नोटिंग का, बट फिर भी आप चाहें तो पॉज करके उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है. जहां पे भी आप वीडियो देख रहे होंगे वहां पे आपको स्पीड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा. मोबाइल ऐप पे आप देख रहे हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा. सो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई वीडियो क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. सो बफरिंग वगैरह का इशू आपको नहीं आने वाला है. उसके अलावा जो आप रेजोल्यूशन वगैरह में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड अगर कभी आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड पे करना है, कम पे करना है, मैनेज कर सकते हैं. आपको सारे फंक्शंस वहां पे अवेलेबल मिलेंगे. सो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ना टैक्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मेजरली ये थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, मे बी 11th 12th में ग्रेजुएशन में जरूर इसको आपने देखा होगा. डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट डायरेक्टली उस पर्सन से वो टैक्स कलेक्ट कर रही है जो उसको यूज कर रहा है पैसे को, मतलब जो उसकी वो अर्निंग है, जिससे कलेक्ट करना है उसी से वो कलेक्ट कर रही है. मतलब पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ऑन पॉकेट, पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है ना अपनी जेब से पे कर रहा है. सो लाइक इनकम टैक्स, यहाँ पे मेजरली कौन सी बात आती है, इनकम टैक्स. आप आपके पेरेंट्स आपके रिलेशन में जो भी हैं वो इनकम टैक्स पे करते होंगे, होपफुली करते होंगे. सो इनकम टैक्स जब पे करते हैं सो वहां पे क्या होता है, आपने अर्न करा है, आपकी अपनी सैलरी आई है, आपने कमाया है, सो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, आपको फिल सबमिट करना पड़ेगा किसके पास, गवर्नमेंट के. सो वो टैक्स किसकी जेब से गया, आपकी अपनी जेब से गया ना. देना किसका था, आप ही को देना था, और दिया किसने, आप ही ने उसको टैक्स को पे कराया, ठीक है. सो क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो पर्सन अर्न कर रहा है वही उसको क्या करेगा, पे करेगा. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आ जाता है, इनकम टैक्स आता है. सेकेंड टैक्स, सेकेंड टैक्स होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नाम से पता चला इनडायरेक्ट तरीके से मैं उससे ले रहा हूँ, मतलब टैक्स तो मैं पे कर रहा हूँ बट वो मेरी जेब से नहीं जा रहा है. सर ऐसा कैसे होता है, मतलब देखो मैं बात करता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी कोई भी कंपनी ले लेते हैं अपने आप को, डोमिनोज लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में मन भी करता रहेगा खाने का. सो डोमिनोज की बात करते हैं, हम डोमिनोज हैं. सो मैंने अभी क्या करा है, आप जब डोमिनोज में जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज करने पे बिल पे आपको टैक्स मिलता है. फॉर एग्जांपल आपने एक पिज्जा परचेज करा 100 रुपीज का, उसके ऊपर उस पर टैक्स लग गया, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 18 रुपीज का, ठीक है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट है. सो 18 रुपीज का उस पर टैक्स लग गया, टोटल आपने कितना पे करा, 118 रुपीज पे किसने करा है, आपने, किसको करा है, डोमिनोज के. वो 18 रुपीज टैक्स के किसको आपने पे करे, डोमिनोज को पे करें. वो डोमिनोज अभी क्या करेगा, वो जो टैक्स आपसे कलेक्ट करा है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि टैक्स किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. टैक्स उस पर्सन का तो नहीं है ना, डोमिनोज की तो इनकम नहीं है उसकी, डोमिनोज की इनकम कितनी है, सिर्फ 100 रुपीज. सो 18 रुपीज जो आपसे लिए वो आपसे लेकर डोमिनोज किसको दे देगा, गवर्नमेंट को. सो गवर्नमेंट को कौन दे रहा है टैक्स, डोमिनोज दे रहा है. क्या उसकी पॉकेट से गया, नहीं, पॉकेट से तो आपकी गया है, आपका नुकसान हुआ है, आपसे लिया और गवर्नमेंट को दिया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है. सो वो जो टैक्स जा रहा है मेरी पॉकेट से ना जाके वो मैं किसी और से रिकवर कर रहा हूँ. सो ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स. सो पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कलेक्ट करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे कि आज के टाइम पे जीएसटी, पहले वैट सर्विस एक्साइज और सीएसटी होता था हमारा. क्लियर हुआ है, आगे देखो बीच बीच में ना कुछ इस तरह के कंटेंट आएगा, ये फाइल मैं आपको दूंगा.
सो वहाँ पे आप इसको क्या करना, नोट डाउन कर लेना, ऐसा कुछ लगता है तो जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ उसमें रिपीटेटिव है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको टाइम देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं। टैक्स के रिप्लेसमेंट देखते हैं। मैंने आपको कहा ना, पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, आज टैक्स चेंज हो गए, अभी मेजरली मेरा जीएसटी रह गया, बट जीएसटी के अलावा भी आज के टाइम में भी मेरे पास काफी सारे अदर टैक्सेस भी रहते हैं। पहले कौन से टैक्सेस थे जो कि जीएसटी के आने के कारण अब खत्म हो गए? उसमें मेनली कौन सा है? वैट। वैट क्या होता था? वैट ना गुड्स पे लगता था, सामान पे लगता था, जब मैं सेल करता था, परचेज करता था। वैट लगता था जब मैं एक ही स्टेट के अंदर परचेज करता था, लाइक मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने कहाँ से परचेज कर लिया? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में परचेज करा है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, अपने स्टेट की बात करता हूँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर दो सिटीज हैं, एक देहरादून, एक हरिद्वार। मैंने हरिद्वार का से सामान खरीद लिया देहरादून में, देहरादून से हरिद्वार में खरीद लिया, परचेज कैसे चल रही है? सेम स्टेट के अंदर चल रही है। जब सेम स्टेट के अंदर आपकी परचेज सेल चल रही है तो वहां पे वैट लगता था। सीएसटी कब चार्ज होता था? सीएसटी चार्ज होता था आपका जब आप ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कर रहे थे, जैसे उत्तराखंड से महाराष्ट्र के बीच में कोई सामान सेल परचेज हुई है, तो मैं सेलर हूं कहाँ का? उत्तराखंड का। आप कस्टमर हैं मेरे, आपने मुझसे कोई सामान लिया, आप कहाँ के कस्टमर हैं? महाराष्ट्र के। क्या लगता था इस टाइम पे? सीएसटी लगता था। फिर एक होता था हमारा सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स लगता था हमारा सर्विस पे। अभी क्या है, सर्विस पे भी और गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, पहले दोनों पे ना मैं देखना पड़ता था कि वो गुड्स है या सर्विस है। गुड्स है तो अच्छा भाई उसके हिसाब से टैक्स लगाओ, सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगाओ। एक्साइज लगता था, जैसे ही मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करता था ना, सामान बनाया उस पर टैक्स पे कर दूँ, मतलब रिमूवल पे होता था ये भी, तो सामान बनाने पे प्रोड्यूस करने पे भी एक टैक्स लग जाता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, तो एक्साइज अभी क्या हो गया, एबॉलिश हो गया, उसकी जगह क्या जीएसटी आ गया। कुछ जगह आज भी ये टैक्सेस चल रहे हैं वैट सीएसटी, हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले लग्जरी टैक्स था, लग्जरी गुड्स वगैरह पे सामान लग पे लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि आपकी मूवीज टिकट वगैरह पे पहले क्या लगता था? एंटरटेनमेंट। अभी क्या लगता है? वहां पे भी जीएसटी टैक्स लगता है आपका। अब कौन कौन से टैक्स रह गए जो आज भी सेम है? एक कस्टम, कस्टम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। उस टाइम पे ना कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है मेजरली आपको इंपोर्ट पे, वो कस्टम आज भी लगती है। उसके अलावा इनकम टैक्स, अभी पढ़ा ना, इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स है, वो तो डायरेक्ट टैक्स है, उसका इससे कोई रिलेशन है सच नहीं है। टीडीएस, पेरोल, पीएफ, ईएसआई, ये सब भी मेरे आज भी लगते हैं, तो ये सारे टैक्सेस आज भी एप्लीकेबल हैं। और वो भी, और जीएसटी तो डेफिनेटली आज के टाइम पे है ही। ओके, इसको भी आप क्या करें, नोट कर लीजिए। अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स का मेरा क्या सिस्टम था? देखो स्टार्टिंग से ना, जैसे अभी मैंने आपको वैट और सीएसटी का बताया, आज भी और पहले भी मुझे ना ये चीज देखनी होती थी कि मैं सेल और मतलब एक तरह से जनरल वर्ड बता रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अगर मैं रफली एक बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ सेलर और बायर दोनों कहाँ के हैं, वो सेम स्टेट के हैं या डिफरेंट स्टेट के हैं। मैं बात करता हूँ उत्तराखंड में, लाइक मैंने उत्तराखंड में दोनों सिटीज आपको बताई, एक हरिद्वार एक देहरादून। ये तो पूरे चैप्टर में आपको याद ही हो जाएगा, आपका मन करने लगेगा सर आपसे मिलने हरिद्वार आते हैं। बिल्कुल आओ, मैं तो चाहता हूँ मिलने आओ, मिलेंगे ना। अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको ऐसे जानता नहीं हूँ, देखा नहीं है, बट जब भी आप कभी भी हरिद्वार आओ तो मुझसे जरूर मिलना, ठीक है? सिटी आपको हरिद्वार अच्छी है पता ही है, तो गंगा है वहाँ पे, हर की पौड़ी, बहुत सारी लोकेशन है, तो ऋषिकेश जब भी आते हैं तो मुझसे एक बार जरूर मिलना। अभी बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट टैक्स में पहले वैट और सीएसटी आता था मेजरली। वैट और सीएसटी में क्या हो जाता था कि अगर मैं सेम स्टेट के अंदर सेल परचेज कर रहा हूँ तो वैट लगता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कर रहा हूँ तो क्या लगता था? सीएसटी लगता था। बात क्लियर हुई? और सर्विस पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स। अभी मैं क्या कहता हूँ कि पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले ये देखना पड़ता था कि वो गुड्स है या सर्विस है। क्यों? गुड्स होगी तो मुझे क्या लगाना होगा, एक तो मुझे वैट लगाना होगा या फिर सीएसटी लगाना होगा। अगर सर्विस होगी तो क्या लगाऊंगा, वहां पे सर्विस टैक्स लगाऊंगा।
एक्साइज भी मैंने एक टैक्स बताया ना आपको। एक्साइज किस पे लगता है? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसे आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करा उसके ऊपर टैक्स लग गया। लाइक मैंने क्या करा, मोबाइल है, सो मोबाइल इस कंपनी ने मोबाइल जैसे ही मैन्युफैक्चर करा है, सो उसके बाद जैसे जब ये सेल करेगा ना अपनी फैक्ट्री से रिमूव करते थे तो उसके ऊपर क्या लग जाता था, एक एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी वो। हाँ, एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी आपकी। सो अब तो ये सिस्टम नहीं है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो देखो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इतने ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा पता होना चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर ये देखते थे गुड्स बनाने के बाद कि भाई मैं डीलर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ, डीलर हूँ या मैन्युफैक्चरर, फिर देखता था विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। विद इन स्टेट है तो मैं क्या लगाऊंगा, वैट। आउटसाइड स्टेट है तो क्या लगाऊंगा, CST। सेम स्टेट के अंदर सेल परचेज कर रहा हूँ तो क्या लगाऊंगा, वैट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज कर रहा हूँ तो क्या लगाऊंगा, वहां पे मैं CST चार्ज करूंगा। बाय मैन्युफैक्चरर, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं मोबाइल बनाने का काम है मेरा, सो देखो भाई वैट और CST तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा मुझे टैक्स वो देना पड़ जाएगा। कौन सा टैक्स? एक्साइज। सो मुझे एक्साइज भी अभी पे करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर, भाई सर्विस प्रोवाइडर को तो टेंशन फ्री थी, उसको तो क्या चार्ज करना था, सर्विस टैक्स चार्ज करना था। उसे कोई टेंशन नहीं है कि विद इन है या आउटसाइड है, उसे तो क्या चार्ज करना है, सर्विस टैक्स चार्ज करना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वाला ये डीलर वाला कंसेप्ट तो आता ही नहीं है। सर्विस तो एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी इसमें क्या मैन्युफैक्चरर और क्या डीलिंग, एक ही चीज होती है ना यहाँ। सो इस केस में यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सर्विस टैक्स आ जाएगा आपका। डन है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स अब कैसा हो गया, ये तो भाई जो हमने पढ़ा ये बाबा आदम के जमाने का पढ़ा, मतलब हिस्ट्री पढ़ी हमने, राजा महाराजा कैसे करते थे। राजा महाराजा नहीं, सिर्फ 2017 से पहले की बात है ये। सो ऐसा भी मत चले जाना, जस्ट फॉर अ जोक। अभी आज के टाइम पे कैसा चलता है उस चीज को देखते हैं। आज के टाइम पे ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं गुड्स बना रहा हूँ या मैं सर्विस बना रहा हूँ, हर चीज में मुझे सेम, मुझे बस इतना मैन्युफैक्चर हूँ या डीलर हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे एक चीज देखनी है, सेम स्टेट आउटसाइड स्टेट, इसके अलावा मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज पहले मैं जिस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ ना उतना देखना। इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मैं विद इन स्टेट कर रहा हूँ सेम स्टेट में, CGST, SGST, CGST, SGST, CGST, SGST, कोई फर्क नहीं पड़ा ना मुझे। आउटसाइड स्टेट कर रहा हूँ तो कैसा कर रहा हूँ, IGST, 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 मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि गुड्स है या सर्विस है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात आती है, सर ये क्या लिख दिया, अभी तो आपने GST बोला था, ये CGST, SGST, IGST, ये क्या क्या आ गए। हाँ ये आ गए, एक्चुअल में ना GST के अंदर मैं बात करता हूँ तो तीन तरीके के टैक्स है, एक्चुअल में चार हैं, तो तीन तरीके के टैक्स है, CGST, SGST, IGST। इससे आगे हम उसी को पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना मान के चलो जब एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज करते हो ना तो उस टाइम पे आप क्या लगाते हो, CGST और SGST दोनों एक साथ मिला के चार्ज करते हो। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, जैसे उत्तराखंड से महाराष्ट्र हो गया, या उत्तराखंड से दिल्ली हो गया, उत्तराखंड से यूपी हो गया, या महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह से कहीं पे भी मतलब दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, तो आप क्या चार्ज करते हो, IGST। अभी इनका मतलब क्या होता है, इनको कैसे कैसे चार्ज करते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, बाय बाय। इसको पूरा का पूरा आप क्या करो, नोट डाउन कर लो।